होंगे। हम विंटर शॉपिंग करने के लिए जना गए थे पिंडी। अब चलते हैं विंटर शॉपिंग करने। ये हम पिंडी पहुंच चुके हैं। वहां पर बहुत तेज बारिश थी। हम पहुंच चुके हैं। हम रक्षी में जाए थे शॉपिंग वाली जगह पर। ये देखिए रिक्शे नजर आ रहे हैं ना ये आप लोगों को। बहुत तेज बारिश थी, मैं आपको क्या बताऊं। और ये देखिए हैं हम पहुंच गए हैं। ये पर्स है बड़े बड़े और साथ नीचे शूज हैं। बहुत प्यारे माशाल्लाह। अल्लाह आपको भी अच्छे अच्छे शूज सैंडल सब कुछ नसीब करे प्यारा। आमीन आमीन। ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे पर्स और सैंडल्स और शूज हैं। आजकल हमें स्कूल से छुट्टियां हो गई हैं क्योंकि पता है ना कि कोरोना फिर से स्टार्ट हो रहा है। हालात बहुत बढ़ रहे हैं और बंदे बीमार हो रहे हैं और एक दिन में इतने ज़्यादा बंदे जो ना फोत हो जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है और जनाजा पढ़ने जाते हैं। तो जब भी एम्बुलेंस की आवाज़ आए तो आपके जो भी है जिसका जो भी बीमार है जिसका भी एक्सीडेंट हो अल्लाह ताला उसे सेहतमंद कर दे और उसे ठीक कर दे। ये आप बोले। ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे शूज़ आए हैं हील्स वाले माशाल्लाह। ये देख सकते हैं गर्ल्स हील्स वाले हैं सारे। सब शूज इतने प्यारे हैं, कोई किसी से कम नहीं है, है ना। आप चाह रहे हो मैं सारे ही ले लूं ऐसी कोई बात नहीं है। हमें अपने दिल को काबू रखना होता है, हर चीज़ नहीं लेनी होती। बैग्स कितने प्यारे हैं, उसके डिज़ाइंस बहुत प्यारे। डिज़ाइंस से बैग बहुत अच्छा लगता है, चमकीली भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपको ये भी बता सकती हूँ, अगर आप चाहें तो बैग तस्वीर वाला हो, आप ऊपर की तरफ करें आपकी तस्वीर नज़र आए, नीचे की तरफ करें तो रेड कलर आए। ये देखिए हील्स वाले शूज़ और ऐसे ना हील्स वाले शूज़ और सैंडल्स। ये अब हम बैठ जा रहे हैं। ये कुछ रात को भी लड़के लड़कियां फैमिली पूरी निकली हुई है बहर और इतनी रोशनी है। ये देखें लाइट्स। अब हम दुकान ये देखें कितने प्यारे बैग लगे हुए हर कलर में, अगर आप चाहें तो कोई से भी ले। ये देखें कितने प्यारे डिज़ाइन में हर कलर में बैग्स हैं माशाल्लाह। मुझे पता है कौन सा कलर पसंद है, हर कलर पूरे कलर्स पसंद है, लेकिन सबसे पसंदीदा कलर्स दो हैं मेरे रेड एंड पिंक। आपको भी हर लड़कियों को ये कलर पसंद होते हैं, है ना। यही बात है ना, मेरे मुझे कलर पसंद है रेड, तो मैंने आज रेड कलर का फ्रॉक पहना हुआ है और साथ पजामा। इस शॉप पर बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी। सेल हमने फिर सेल से फ़ायदा उठाया। हमने फिर शूज़ ले लिए। हमने लिए हैं शूज़, मैं आपको बताती हूँ हमने कौन से लिए हैं। हमने गोल्डन और रेड शूज़ लिए हैं। ये देखिए सैंडल्स और शूज़ प्यारे। पता है मुझे इनमें से कौन से अच्छे लगे, और जो पीछे ऑरेंज वाला था ऑरेंज वाला मुझे अच्छा लगा। लेकिन हमें अपने दिल पर काबू रखना चाहिए क्योंकि हर चीज़ हम नहीं ले सकते। हमारे पास जना ये देखिए ये बैग्स बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। ये हमने एक बैग ले लिया। ये देखिए मैंने ब्राउन कलर का लिया बड़ा सोड़ा। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ये लिए। मैं और नानो आई हुई थी यहाँ पर। हम
ये अल जन्नत मॉल आ गए। ये देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे गर्ल्स और बॉयज के पैंट्स सब कुछ है, बहुत अच्छा है। तो हमने लिए हैं, ये देखिए रेड कलर का हमने लिए। वो इतना प्यारा फ्रॉक था, लेकिन मैंने अपने दिल पर काबू रखा। ये देखिए इतने प्यारे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वाओ बहुत प्यारे हैं, माशाल्लाह। ये देखिए बॉयज के शर्ट्स हो रहे हैं, ये देखें ये बॉयज की जैकेट कैसी है, ये देखें बेबीज की छोटी छोटी बेबीज की बड़ों की सब की है। बड़े टिकटॉक शर्ट टिकटॉक जिस यहाँ पर सब चीज़ें हैं। ये देखें बड़ों के कपड़े, लड़कों लड़कियों के, ये लड़की के हैं, ये लड़कों के, ये भी लड़की के हैं। ये देखें ये लड़की की माशाल्लाह प्यारे था ड्रेस। ये देखें गर्ल्स, ये देखें जी, ये हम आपको सैर करवा रहे हैं ताकि आप जन्नत मॉल आएँ और आपको जो भी पसंद है और मेरी वीडियो से देखकर अब वो ले लें ड्रेस। ये देखें ये हमने ड्रेस लिया है, ये मेरी बहन की बर्थडे आ रही है तो मैं उसके लिए गिफ्ट ले रही हूँ। ये देखें आपको इंशाल्लाह मैं बर्थडे पे उससे मुलाकात करवाऊंगी, वो 1 ईयर्स का हो जाएंगे। चूँकि पता है ना हम छोटे बच्चों को नहीं दिखाते, उसको नज़र लग जाती है ना। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना, बड़ी लेडीज़ की शॉप पे जा रहे हैं जहाँ पर सिर्फ बड़ी लेडीज़ के कपड़े होते हैं। ये देखें नीचे जा रहे हैं सीढ़ियों से उतर के, ये लेडीज़ शॉप माशाल्लाह। नीचे बहुत अच्छा जी, ये जो ब्लैक वाला फ्रॉक नहीं दिख रहा, माशाल्लाह पॉइंट तक है। ये देखिए और हाफ स्लीव्स है, शायद हाफ स्लीव्स है, नहीं मुझे ऐसे ही लगा हाफ स्लीव्स है, ये फुल स्लीव्स है, ये फुल है। ये देखें ये देखें ये सारे प्यारे हैं। ये ओहो ये तो ओरिजिनल सिंपल भी है, लेकिन उस पर सिंपल है पूरी जगह, बस दरमियान में लगे हुए हैं बटन, तो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। ये देखिए स्वेटर्स भी हैं और कैप शॉल भी है, ये स्वेटर्स हैं। पहले मैं आपको स्वेटर्स दिखा रही सारी और बाद में आपको कैप शॉल दिखाऊंगी। ये ब्लू वाली कैप शॉल थी, ये देखिए ये भी कैप शॉल है, ये भी कैप शॉल है, ये भी कैप शॉल है ब्लू वाली। ये हमने ले ली है, ये देखें ओहो ये मैंने ली नहीं थी सॉरी। अब ये लेडीज़ के कपड़े देखें और इंजॉय करें, ये देखते हैं इंजॉय करें, मतलब का मतलब है कि साथ साथ बातें सुने, साथ साथ इंजॉय करें, कपड़े देखें साथ साथ। मुझे ऑरेंज वाला ड्रेस बहुत अच्छा लगा है गर्ल्स, ये देखें पैंट शर्ट, ये भैया बैठा हुआ है। यहाँ पर मेरी नाना अपने लिए स्वेटर देख रही हैं, मुझे पता है कौन सी पसंद आई थी, मुझे पीछे वाली वो जो ऐसे डिज़ाइन रुके वो पीछे फिर से आए ना, मैं आपको बता दूँ, वो ऐसे क्या कहते हैं उसे, कलर नहीं याद, वो जो ऐसे डार्क सा वो या लाइट सा था सॉरी, वो लाइट सा वो ग्रे कलर था, वो मुझे बहुत अच्छा लग गया वाली स्वेटर। ये देखें सामने जैकेट्स लगी हैं बॉयज़ की, ओ हम वीडियो बना रहे बेबी भी नज़र आ गया। कोई बात नहीं, चलो ये हमने ले लिए हैं और चलो बहुत प्यारी है। ये जो मेरी नानों ने जो पसंद किया है, ये
नहीं ली, सॉरी सॉरी, ये देख रही है नानो ने कहा था कि मुझे दिखाओ, तो वो अंकल दिखा रहे हैं, ये सही भी ऐसे बता रहे हैं। आपने अगर अभी तक विंटर शॉपिंग नहीं की तो अभी इसी शॉप में जाएं और शॉपिंग कर लें। माशाल्लाह रेड जैकेट इतनी प्यारी है, ये देखें ये स्वीटर। हम आगे जा रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह, ये है कपड़े, ये देखें लेडीज के कपड़े जैसे खद्दर मड़ीना। लेडीज के कपड़े देखें, एंजॉय करते जाएं। Didn't take very long after meeting you for me to make a move. Less than a week. And I told myself not long before that I had to focus on school and any involvement with a girl I would not. अब हम दूसरी वाली जन्नत मॉल जा रहे हैं। ये देखिए हम जन्नत मॉल आ चुके हैं। माशाल्लाह कितना प्यारा है मॉल और छोटे छोटे के कपड़े, मुझे तो बहुत पसंद आया। ये देखें, ये देखें, अब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे। यहाँ के सारे के सारे शॉल्स हैं, ये शॉल्स हैं, ये भी शॉल है, ये भी शॉल है, सारी शॉल है। ये देखें ये स्वीटर्स हैं, यहाँ पर सब कैप शॉल्स लगी हुई है। कैप शॉल शॉल होती है एक मोटी शॉल जो दुपट्टे की तरह होती है वैसी है, और ये कैप शॉल होती है, मैंने बाजार से ली थी ना, वो कैप शॉल होती है। Didn't take very long after meeting you for me to make a move. Less than a week. And I told myself not long before that I had to focus on school and any involvement with a girl I would not seek. But when you showed up, all the self-promises and plans I made went straight out the window. I had the courage to start this, but I went about all wrong. I've never done it before, so I Velvet की शर्ट है, प्यारी नहीं थी, मुझे कोई भी नहीं पसंद आई, और प्राइस भी इनकी बहुत ज़्यादा थी, 5,000 ऐसे बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने नहीं ली। Didn't take very long after meeting you for me to make a move. Less than a week. And I told myself not long before that I had to focus on school and any involvement with a girl I would not seek. But when you showed up, all the self-promises and plans I made went straight out the window. I had the courage to start this, but I went about all wrong. I'd never done it before, so I didn't know what I was doing. If I hadn't messed up so bad, if I would have made up my mind, if I would have accepted your offer instead of turning you a lie, if I wouldn't have let my doubts convince me that I knew best, if I wouldn't have listened to my head instead of what's in my chest, if I hadn't messed up so bad, if I'd taken more time to think, then I wouldn't be tearing my hair out, regretting every word I spoke. If I wouldn't have pressured you in the first place, maybe this would be fine. But I messed up so bad and I'm mad, cause now we'll never know. All because I messed up. Didn't take very long after meeting you for me to make a move. Less than a week.
And I told myself not long before that I had to focus on school and any involvement with a girl I would not seek. But when you showed up, all the self-promises and plans I made went straight out the window. I had the courage to start this, but I went about it all wrong. I'd never done it before, so I didn't know what I was doing. If I hadn't messed up so bad, if I would've made up my mind, if I would've accepted your offer instead of turning you a lie, if I wouldn't have let my doubts convince me that I knew best, if I wouldn't have lived. हम शॉपिंग कर करके हम हालांकि कोई मोटरसाइकिल कुछ होता ही नहीं है ना शॉपिंग करने, हम खुद अपने पाँव में चलते हैं, तो इसीलिए हम थक गए थे तो हम खाना खाने गए। तो ये देखें, हम दुकान पे पहुंच चुके हैं, हम खाना खाने लगे हैं। हमने मियाँ जी होटल में खाया है, इनका खाना बहुत मज़े का, आप भी ज़रूर ट्राई करें। साथ में सालन, नान सब कुछ था। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।